व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो आपकी सीबीएसई की बुकलेट है पेज नंबर 24, उसके ऊपर वहाँ से नहीं करना, उसके ऊपर लिख ले नोट, रेफर एक्स्ट्रा हैंड रिटन शीट नंबर 46A। तो लिख लें इस पे, रेफर एक्स्ट्रा हैंड रिटन शीट 46A। ये सीबीएसई बुकलेट पे लिखनी है, ठीक है, ताकि अगर शीट गुम भी जाए आपसे, एक्स्ट्रा लूज शीट है ना, तो एटलीस्ट आप उसका प्रिंट निकाल सकें, ठीक है। तो बुकलेट की बजाय यहां से करें प्लीज, राइट, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, और अगर ये एग्जाम में आता है तो आपने ऐसे लिखना है, इट इज एन अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, और हमने क्या डिस्कस किया था कि ये नल मेथड है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नल मेथड का मतलब इसमें कोई एरर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्यूरेसी ज्यादा है। फिर आपने क्या लिखना है, प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल, किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। फिर आपने कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर डायग्राम जिसमें पी क्यू आर और एस और जी गैल्वेनोमीटर और ये बैटरी। फिर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या करना है, आई करंट आया, आई करंट में से कुछ करंट इसमें गया आई वन, तो इसमें कितना गया आई माइनस आई वन, तो इधर आया आई वन, इसमें कुछ करंट गया आई टू, तो बचा कितना आई वन माइनस आई टू, इधर से आया आई माइनस आई वन, इधर से आया आई टू, दोनों मिल गए, मिलके आई माइनस आई वन प्लस आई टू, इधर से आई वन माइनस आई टू, इधर से आई माइनस आई वन प्लस आई टू, दोनों को ऐड करो आंसर आई। क्लियर है यहां तक? तो फिर आपने क्या किया, एक लूप नंबर वन है, इसमें किरचॉफ का लॉ लगाना है, एक लूप लॉ, लूप नंबर टू में किरचॉफ का लॉ लगाना है। तो लूप नंबर वन में लगाएंगे तो ये इक्वेशन आएगी, लूप नंबर टू में लगाएंगे तो हमने डिस्कस किया था ये इक्वेशन आएगी। फिर आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि आप कैसे लगा रहे हो लूप नंबर वन में किरचॉफ लॉ, कैसे बताया था, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई वन इंटू पी माइनस आई टू इंटू जी प्लस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन इक्वल टू जीरो। और अगर इसमें लगा रहे हैं तो माइनस क्यू इंटू दिस करंट प्लस, क्योंकि करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं, प्लस एस इंटू दिस करंट प्लस जी इंटू आई टू इक्वल टू जीरो। तो ये दो इक्वेशन हैं सॉल्व, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ये दो इक्वेशन हैं। फिर आपने ये लिखना है, वैल्यू ऑफ पी क्यू आर आर सेलेक्टेड इन सच अ वे। तो इसमें ये लिखना है कि जो पी क्यू आर की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी है कि बी और डी का पोटेंशियल क्या आ जाए, सेम, और जैसे ही पोटेंशियल सेम आएगा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो का मतलब आई टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इक्वेशन नंबर वन में और इक्वेशन नंबर टू में आपने आई टू आई टू आई टू को क्या कर देना है, जीरो। तो दो नई इक्वेशन आएगी आई टू जीरो पुट करने के बाद, इन्हें डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और अननोन रेजिस्टेंस एस कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये आपने इसमें लिख के आना है।